Hey guys, this is रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस आज की वीडियो में हम बातें करेंगे वीवो की जो नई फोन आ चुका है बजट सेगमेंट का वीवो Y15s। इस फोन की थोड़ा कैमरा के बारे में बातें करेंगे, डिटेल कैमरा रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे प्राइस पॉइंट वाइज आपको इस फोन की कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए पहले हम डिजाइनिंग के मामले में बात कर लेते हैं। तो वीवो का जो भी फोन आता है नया, तो वीवो वहां पर काफी अच्छा डिजाइनिंग के मामले में काम करते हैं। तो यहां पर भी देख सकते हो कुछ नई आपको कैमरा डिजाइनिंग कैमरा मॉड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है और ये काफी एट्रैक्टिव लुक है ऑन दिस प्राइस सेगमेंट। यहां पर देख सकते हो आपको डुअल कैमरा मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है एपर्चर f/2.0 के साथ, और जो सेकेंडरी आपको कैमरा मिलता है शायद आपको लगेगा ये डेप्थ सेंसर है, लेकिन गाइस बाकी में यहां पर जो सेंसर मिलता है 2 MP का ये मैक्रो लेंस के लिए यूज किया जा चुका है। और जो बोकेन यानी पोर्ट्रेट शॉट आप इस फोन से ले गए वो पूरी काम करेगा सॉफ्टवेयर के ऊपर बेसिस से। फ्रंट की तरफ आपको मिलता है 8 MP का कैमरा एपर्चर f/2.2 के साथ। तो चलिए इस फोन से मैंने काफी सारा फोटोस ले चुका हूँ, आगे जाकर आपको एक एक करके दिखाऊंगा विदाउट कलर करेक्शन। तो डे लाइट शॉट की अगर बात किया जाए, अगर आपके पास लाइट सोर्सेस काफी अच्छा हो, आप आउटडोर शॉट ले रहे हो डे लाइट, तो काफी अच्छा फोटोस निकल के आता है। आप देख ही सकते हो 16:9 फ्रेम साइज पे कुछ इस टाइप आपको आउटपुट मिल जाएगा, जहां पर देख सकते हो शार्पनेस लेवल बजट सेगमेंट वाइज आपको काफी अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। और वीवो की फोन्स की बात करें तो वीवो ज्यादातर क्या करता है, कलर्स वगैरह काफी नेचुरल प्रोवाइड करता है, कोई भी बूस्टेड इशू वगैरह नहीं लगेगा। बट बाकी में अगर आपके पास लाइट सोर्सेस काफी अच्छा हो तो ग्रीनरी कलर्स वगैरह थोड़ा आपको बूस्टेड लग सकता है। ओवरऑल फोटो की क्वालिटी मुझे काफी पसंद आया प्राइस सेगमेंट वाइज। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस फोन की डे लाइट शॉट कैसा लगा। अगर आप लो लाइट शॉट की बात करें जहां पर लाइट सोर्सेस थोड़ा कम हो, तो वहां पर शायद थोड़ा फोटोज के अंदर व्हाइट बैलेंस आपको ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी थोड़ा अननेचुरल जैसा फोटोज लगेगा। HDR वगैरह भी कुछ ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूव नहीं है, बट ओवरऑल ठीक ठाक है प्राइस सेगमेंट वाइज। चले आते हैं गाइस अब क्लोजअप शॉट की तरफ। तो गाइस क्लोजअप शॉट लेने के लिए यहाँ पर आपको 2 MP का मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया जा रहा है एंड आपको कुछ इस टाइप आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो सोचा था कि मैक्रो शॉट्स कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन बजट सेगमेंट वाइज मैक्रो शॉट्स भी मुझे काफी पसंद है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर ये वाला फोटोज के अंदर काफी अच्छा डिटेलिंग मिलता है, स्ट्रक्चर्स वगैरह भी काफी अच्छे से दिख जाएगा एंड मैक्रो शॉट्स के आसपास देख सकते हो जो ब्लर है ना वो भी काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। अब बोकेन शॉट्स की बात करते हैं या पोर्ट्रेट शॉट की, तो गाइस पोर्ट्रेट शॉट के लिए तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप देख ही सकते हो लेंस के अंदर मिल जाएगा बोकेन इफेक्ट, यानी पोर्ट्रेट शॉट आप ले सकते हो। लेकिन गाइस मैंने काफी सारा फोटोज ले चुका हूं नॉर्मल फोटोज एंड बोकेन इफेक्ट ऑन करके, तो दोनों फोटोज के अंदर कुछ मुझे ज्यादा मेजर डिफरेंट नहीं मिला। और इसके अलावा पोर्ट्रेट शॉट के अंदर जो बोकेन इंटेंसिटी है उसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज भी नहीं कर सकते हो, आपको एक नॉर्मली पोर्ट्रेट शॉट्स आउटपुट दिया जाएगा और कुछ इस टाइप आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर देख सकते हो सब्जेक्ट का कलर्स काफी नेचुरल है, पीछे बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर है और ये वाला फोटोज देख सकते हो गाइस मैंने विदाउट बोकेन शॉट्स क्लिक कर चुका हूं, यानी विदाउट पोर्ट्रेट शॉट। तो यहां पर भी देख सकते हो सेम ही आपको जो पीछे बैकग्राउंड से वो प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी ओवरऑल फोटोज निकल का आता है पोर्ट्रेट शॉट्स काफी अच्छा निकल का आता है। एज डिटेक्शन के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा, आप ये वाला फोटोज के अंदर देख सकते हो काफी क्लियरिटी मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूव का जरूरत है जो पोर्ट्रेट का बैकग्राउंड है ना उसको, अगर ब्लर का जो इंटेंसिटी है उसको अगर थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए तो शायद आपको और भी अच्छा पोर्ट्रेट शॉट्स मिल सकता है इस वीवो Y15s पे। अब गाइस चले आते हैं इस फोन की लो लाइट शॉट के बारे में बात है। तो यहाँ पर लो लाइट शॉट लेने के लिए आपको कोई भी नाइट मोड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है और काफी कंपनी तो आपको इससे काफी कम प्राइस के अंदर नाइट मोड प्रोवाइड करता है। लाइक मैं बात करूँ काफी सारा रियलमी के फोन्स की बात करो, लाभा भी अभी आपको नाइट मोड प्रोवाइड करता है। लाइक Z3 की बात करो जो कि एंट्री लेवल के फोन्स है, तो नाइट मोड हालांकि उन सारे फोन्स के अंदर कुछ अच्छे तरह से वर्किंग नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर AI भी मिल जाता लाइक सीन ऑप्टिमाइजेशन तो वहां पर भी थोड़ा बहुत नाइट मोड के अंदर जो भी लो लाइट के अंदर जो भी फोटोज मिलता ना उसके अंदर थोड़ा इम्प्रूव मिलता। तो मैंने काफी सारा लो लाइट के अंदर फोटोज ले चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको लो लाइट फोटोज कैसा लगा। और गाइस यहाँ पर नॉर्मल फोटोज मोड के अंदर काफी सारा आपको फिल्टर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और मैंने शाम के कुछ पहले एक ही फोटोज को अलग अलग फिल्टर से क्लिक कर चुका हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा, जहां पर देख सकते हो कलर्स वगैरह काफी चेंजेस है, आप अपने हिसाब से फिल्टर्स लगा के अच्छे से अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो। और गाइस बीच में एक बात बताना चाहूंगा, इस फोन के अंदर आपको कैमरा 2 MP का फुल फेज का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप कोई भी कंपेटेबल जी कैम वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी तक इस फोन का कोई भी कंपेटेबल जी कैम नहीं मिला। अगर बाद में मिलता है तो मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक ऐड कर दूंगा। अब गाइस चले आते हैं इस फोन की सेल्फी की तरफ। तो गाइस सेल्फी कैमरा यहाँ पर कुछ
इस टाइप निकल के आएगा। और गाइस यहाँ पर मुझे काफ़ी पसंद आया। तो नॉर्मल सेल्फी अगर लेते हो ना डिफॉल्ट सेटिंग्स पे, तो वहाँ पर थोड़ा ब्यूटी एडिट लगेगा, फेस थोड़ा सा चेंज लगेगा, यानी स्किन टोन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस लगेगा, लेकिन ओवरऑल प्राइस सेगमेंट वाइज सेल्फी काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। अब पोर्ट्रेट शॉट की सेल्फी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा मुझे चेंजेस लगा। हाँ गाइस, यहाँ पर देख सकते हो स्किन टोन के अंदर जो नेचुरल स्किन टोन है वही यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं साइड बाय साइड आपको दिखाना चाहूँगा, ये गाइस नॉर्मल फोटो जहाँ पर लगेगा कि स्किन टोन के अंदर थोड़ा ब्यूटी एडेड है, और पोर्ट्रेट शॉट के अंदर आप स्किन टोन देख सकते हो काफ़ी जो नेचुरल स्किन टोन है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पीछे बैकग्राउंड्स भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ब्लर है, और मुझे गाइस लगा था कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको जो पोर्ट्रेट शॉट्स मिलेगा सेल्फी के अंदर उसमें काफ़ी सारा एज डिटेक्शन का दिक्कत मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट शॉट के अंदर एज डिटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख ही सकते हो मेरे बाल के आसपास भी काफ़ी क्लियरिटी मिलेगा, हालांकि दो एक बार आपको फोटोज क्लिक करते हो तो थोड़ा बहुत बाल के आसपास या ये फोटोज के अंदर देख सकते हो फिंगर के आसपास थोड़ा सा इशू मिल सकता है, लेकिन प्राइस पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छा आपको पोर्ट्रेट शॉट्स मिलता है सेल्फी के अंदर। वीडियोस के मामले में बात किया जाए तो इस फोन की फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों ही तरफ मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps पे ले सकते हो, और यहाँ पर कोई भी आपको जायरो ईएस का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वीडियोस वगैरह थोड़ा आपको सीखी मिलेगा, तो यहाँ पर आप वीडियो सैंपल देख ही सकते हो। वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है वीवो Y15s की फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम वीडियोस ले सकते हो 1080p 30fps। यहाँ पर मैं नॉर्मली वर्क कर रहा हूँ, एंड वीडियो क्वालिटी अगर फ्रंट कैमरा की देखा जाए तो एवरेज क्वालिटी का मिलता है। काफ़ी ज़्यादा आपको वाइट बैलेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, आप देख सकते हो डायनामिक रेंज वगैरह के अंदर कोई भी आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, ज़्यादा इम्प्रूव नहीं मिलेगा। जो कलर्स वगैरह है वो काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी एवरेज, पीछे आप ग्रीनरी कलर्स देख सकते हो वो काफ़ी आपको अच्छा ही प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी सैचुरेटेड इशू नहीं है। बट यहाँ पर मुझे जो दिक्कत लगा, वाइट बैलेंस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, स्किन टोन एवरेज है, और आप देख सकते हो मेरे बाल के आसपास थोड़ा आपको रेडिश कलर का कलर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अब थोड़ा बैक कैमरा की वीडियोस के बारे में बात किया जाए तो ये वीडियोस भी रिकॉर्डिंग हो रहा है वीवो Y15s की बैक कैमरा से, और यहाँ पर भी आप बजट कैटेगरी वाइज बैक कैमरा पे भी आपको 1080p 30fps का मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है। यहाँ पर मैं नॉर्मली वर्क करूँ, कोई भी आपको EIS का यानी जायरो EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वीडियोस 1080p 30 क्वालिटी वगैरह अच्छा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सेकी मिलता है। यहाँ पर मैं नॉर्मली वर्क करूँ कुछ ज़्यादा ही आपको लगेगा कि वीडियोस हिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही सेक हो रहा है, लेकिन ओवरऑल प्राइस पॉइंट वाइज एक बजट क्राइटेरिया फ़ोन से उसके हिसाब से 1080p 30fps रेजोल्यूशन ठीक ठाक है। और यहाँ पर देख सकते हो डायनेमिक रेंज वगैरह, तो डायनेमिक रेंज वगैरह के ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं लगा, जो बैकलाइट कलर्स है उसको एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ वीवो Y15s का आपको वीडियो क्वालिटी कैसा लगा। तो गाइस यही था इस फोन का कुछ कैमरा एंड वीडियो सैंपल। अब बात किया जाए यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट है, इस फोन का प्राइस है 10,990 रुपीज़। इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो शार्पनेस क्वालिटी मिल रहा है डे लाइट सोर्सेस पे वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन लो लाइट पे अगर आप कोई भी फोटोज लेते हो ना तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत मिलेगा, और पोर्ट्रेट शॉट के अंदर यहाँ पर वीवो को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, तो शायद इस प्राइस पॉइंट पे ये वीवो Y15s कैमरा के मामले में और भी बेहतर फोन बन सकता है। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो Y15s के बारे में। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर बताना, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। तो आज का छोटा सा वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।